सो हाय ऑल, मैं अगेन आपके साथ। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम दुबई विज़िट कर रहे हैं, मैंने ये भी एक फ़ोन लिया, वीवो 27 है और बहुत अच्छा फ़ोन है। 5G जो है पर्सनल यूज़ के लिए ही लिया है और बहुत सही हमको डील मिल गई थी यहाँ पे। मीना बाज़ार में ही हमने लिया। इसके साथ हमको ये डील मिली, साथ में इसके साथ जो है ये पॉड्स हैं, ईयरबड्स, ये भी हमको मिल गए थे एज ए फ्री। और ये 16 GB 256 GB ब्लैक है। देखते हैं इसको अनबॉक्सिंग करके जो है कैसा है। ये पता नहीं इसमें क्या है, इन्होंने दिया है वीवो 27 GB पोर्ट्रेट मास्टर 50 MP। ये इन्होंने कार्ड दिया है, इसमें ही है साथ में। क्योंकि ये वर्ज़न अभी नहीं है, आई थिंक इंडिया में भी कम ही है। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी डील और बहुत बार्गेनिंग हमको करनी पड़ी इस वर्ज़न के लिए, लेकिन फाइनली ये मिल गया हमको 16 GB में 256 और ब्लैक है। काफ़ी अच्छी पैकिंग की हुई थी उन्होंने। और फाइनली ये प्रोडक्ट है V27 जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है। इसको अब हम खोलते हैं, देखते रहिए आप। ये है फोन, ये 25 और 27 में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हाँ बहुत ही स्लीक फ़ोन है, बहुत ही सही फ़ोन है ये जो है। जनरली तो इसमें ऑरा लाइट है जो आप देख रहे हैं, जो जनरली आती है वीडियो रिकॉर्डिंग के समय में या फोटो के समय में जो है ये कर सकते हैं। तो बड़ी अच्छी लाइट है ये जो है। और साथ में हमको इसमें भी जनरली वीवो कवर मिलता ही है हमको जो है। और ये इसके है जो है साथ में, क्योंकि हम यूएई में हैं तो ये हमको यहाँ के हिसाब से सॉकेट मिला है। इजी रहेगा यूज़ करने के लिए। ये इसकी चार्जिंग केबल है जो हम कर सकते हैं, फ्लैश चार्जर है, तो वीवो जनरली फ्लैश चार्जर ही प्रोवाइड करता है सभी फ़ोन्स में। और इसको हम यूज़ कर सकते हैं, इवन ये डुअल सिम में ही आता है। ऑलरेडी मैं पीछे 25 यूज़ कर ही रहा था और अब जो है 27 भी है मेरे पास और ब्लैक वर्ज़न में है। अल्टीमेट फीलिंग है इस फ़ोन में, और क्योंकि इसकी फ़ोटो भी ज़बरदस्त है, इसमें AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है बहुत अच्छा फंक्शन है, जो कि इजीली जो है फ़ोटो में कोई स्मूथनेस भी बनाता है। हमने भी ये मीना बाज़ार से ही शॉपिंग की है इसकी भी, और काफ़ी एंजॉय किया। जैसा आपको बताया कि जनरली वहाँ पे हम जो है, कल वीकेंड भी था, फ्राइडे नाइट, तो बहुत ज़्यादा रश था मार्केट में। अच्छा खासा बार्गेनिंग करने पे हमको इसकी सही डील मिल गई। और प्लस जो है वारंटी इसकी भी है, अच्छी वारंटी मिल गई है इसकी भी, साल भर की जो है इंटरनेशनली वारंटी है। कोई इशू हमको नहीं आई है इसको लेने में भी। साथ में इसके साथ ये V27 है, ईयरबड्स, इसको देखते हैं।
सो बहुत अच्छी डील थी इसमें और ये फ्री इसके साथ मिल रहा है। सो देखते हैं कैसा है, क्योंकि प्रीमियम चॉइस है, इट मीन्स अच्छे ही होंगे इसके साथ ईयरबड्स जो है। किधर से खुलेगा, ये खुल गया। सो ये है ये है। सो खोलते हैं, जो ये बटन है और ये बटन है ऑन ऑफ का, ये ऑन ऑफ है, यहाँ से ऑन किया तो ऑन हो जाएगा। सो बहुत ही स्लीक है जैसा जनरली आते हैं, आजकल तो सभी कंपनीज के ऐसे आ रहे हैं, लेकिन हाँ जिस हिसाब से दे रखा है इसमें प्रीमियम चॉइस, सेंसर टच है, इमर्सिव साउंड है, बैटरी लाइफ भी अच्छी है, ब्लूटूथ 5.0 है, तो सेंसर टच भी है साथ में। सो सेंसर टच ये रहेगा आई थिंक, ये वाला जो रहता है जनरली। सो इसको यूज़ करेंगे, सो बताएंगे आपको फिर जो है कैसी साउंड है, क्योंकि अभी तो जस्ट ओपन ही किया है, इसको दूसरे के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा मेरे को वैसे। और ये क्या है इसमें, शायद वायर होगी इसकी चार्जिंग, ऑफ कोर्स सही थे हम। चार्जिंग वायर थोड़ा सा डिफरेंट है, ये थोड़ा सा हमारे लिए भी शॉक्ड है कि आईफोन जैसी जो चार्जिंग है वो इसके अंदर दी हुई है, जिस तरह से एप्पल के अंदर रहता है सेम वैसे ही चार्जिंग है केबल जो है। सो होपफुली साउंड भी बहुत अच्छी होगी, अगर इस तरह की अगर चार्जिंग दे रहे हैं एक चार्जिंग केबल, सो इसकी क्वालिटी भी अल्टीमेट ही होने वाली है। सो आपके साथ फिर मैं शेयर करूँगा इसका कनेक्ट करने के बाद जो है किस तरह की साउंड है। सो ये हमको मिला है सब वीवो के साथ, इसके साथ वीवो 27, ये चार्जिंग है। सो करते हैं इसको यूज़ जो है, चार्जिंग पे लगाते हैं फ़ोन को, फिर आपको बताएंगे कि क्या है इसका जो है ख़ास इसमें, और क्योंकि इसमें बता तो रहे हैं 50 मेगापिक्सल का तो है, सो इट मीन्स हाँ इसकी फ़ोटो ऑलरेडी अच्छी है, क्योंकि 25 में भी बहुत अच्छी फ़ोटो आती है। सो ऑफकोर्स 27 में भी अच्छी ही फ़ोटो आएंगी और इवन उससे बेटर ही फ़ोटो आएंगी। सो देखते रहिए आप जो है वीडियोज़, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जल्दी आपके साथ मैं शेयर करूँगा और किसी प्रोडक्ट्स की जैसी हम लेते हैं। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।